बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव पी यू। एंड आज का वीडियो है एक क्ले स्क्रैप बुक का ट्यूटोरियल वीडियो। आज के वीडियो में हम इस स्क्रैप बुक को बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक भी कर लेना। आप इसे देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हमने फ़ोटोज़ की जगह पर क्ले मॉडल्स यूज़ करे हैं। आप अपनी मेमोरीज़ को क्ले मॉडल्स के रूप में स्क्रैप बुक में स्टिक कर सकते हैं और मैसेजेस और फ़ोटोज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू आइडिया है और बहुत ही शानदार आइडिया है स्क्रैप बुकिंग के लिए। सो आज की वीडियो में हम यही चीज़ सीखने वाले हैं। अब देख सकते हैं ये स्मॉल साइज़ की पर थोड़ी मोटी स्क्रैप बुक है, क्योंकि हमें यहाँ पर क्ले मॉडल्स को अटैच करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। यहाँ पर मैंने ये ब्लैक एंड वाइट पैटर्न पेपर 6x6 साइज़ वाले यूज़ करे हैं। ये आपको इजीली हमारे वेबसाइट papersquare.in पर अवेलेबल हो जाएंगे। और उसी के साथ हमने यूज़ करी है सिल्वर मिरर कार्डस्टॉक शीट्स, ये भी आपको हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे जल्दी ही। अभी थोड़ा स्टॉक का प्रॉब्लम है बट आप वहाँ पे चेक करते रहिएगा, ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ हमने यूज़ करा है चिप बोर्ड बेस बनाने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं इनका मेज़रमेंट है 15 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हम एक पतली वाली शीट ले रहे हैं, मिरर कार्डस्टॉक नहीं है, ये मिरर पेपर शीट है, इससे हम बेस बनाएंगे। मैं यहाँ पर पहले इन्हें मार्क कर ले रही हूँ और उसके बाद यहाँ पर हम यूज़ करेंगे टिश्यू टेप की मदद से हम इसे यहाँ पर अटैच करने वाले हैं। तो जहाँ जहाँ मैंने मार्क करा है वहाँ वहाँ मैंने टिश्यू टेप लगा दी है और फिर इसके स्टिकर्स रिमूव करके यहाँ पर अपने चिपबोर्ड को पेस्ट कर देंगे और उसे पूरा इस शीट से कवर करके बेस को रेडी कर लेंगे। सो आप वीडियो को देखिए कि कैसे मैंने इस पूरे बेस को बनाया है, और कहीं पे कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पे भी डीएम कर सकते हैं एंड चाहे तो मेल भी कर सकते हैं। इन सभी सोशल अकाउंट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो इस तरह से हमारा बेस जो है वो रेडी हो गया है, और अब हम यहाँ पर अंदर के पेजेस में डेकोरेशन और बेस पेज को डेकोरेशन करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर मैं अपने शेप्स को इसके अकॉर्डिंग कट कर दूँगी, सिल्वर ग्लिटर शीट और मिरर कार्ड स्टॉक्स को डाई कटिंग मशीन से कट कर लेंगे। और आप चाहे तो डायरेक्ट कटी हुई डाई कटिंग्स भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इंस्टाग्राम स्टोर पर अवेलेबल हो जाती हैं। और यहाँ पर एक डॉयली पेपर डॉयली को हमने इससे सेंटर पे चिपकाया है। देन फिर ये एक मिरर कार्ड स्टॉक वाली डॉयली है, इसके ऊपर हम डबल साइडेड टेप को लगा करके इसे 3D लुक देने के लिए हम इससे लेआउट क्रिएट कर रहे हैं। सो आप अपने अकॉर्डिंग आपके पास जो भी अवेलेबल है उससे भी डेकोरेट कर सकते हो। और ये देखिए हमने यहाँ पर हार्ट पंच से इसे पंच करके हार्ट शेप वाले हार्ट्स को भी इसके ऊपर चिपकाया है। और इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं फ्रंट पेज को। और यहाँ पर ये हमने सिल्वर कलर की डोरी ली है और उसे कुछ इस तरह से बांधा है, और इसे भी हम अपने स्क्रैप बुक के ऊपर स्टिक कर देंगे। तो टोटली मैंने इसे क्लासी लुक देने की कोशिश करी है, बहुत ही प्रीमियम लुक देने की कोशिश करी है। और ये देखिए इसे हम यहाँ पर इस तरह से अटैच कर देंगे। अगर आपके पास इस तरह की मटेरियल्स नहीं है तो आपके पास जो भी अवेलेबल है बस आप उसी का यूज़ करके सारे स्टेप्स को फॉलो करिए, तो भी ये काफ़ी अच्छी बन के रेडी हो जाएगी। शेकर एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं, जल्दी ये भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएंगे। और ये देखिए हमने इसे इसके अंदर डालने के बाद इस फ्रेम को इसके ऊपर पुट कर दिया है, और ये बिल्कुल बनकर रेडी है और बहुत ही अच्छा सा वर्क कर रहा है। इसी तरह से हम एक और शेकर अंदर बनाएंगे और इस पर अपने जो क्ले मॉडल्स हैं उनको बना करके अटैच करेंगे। यहाँ पर हमने फेस बना लिया है पहले क्ले से, नॉर्मल जो
एयर ड्राई क्ले होती है उसी से बनाया है, और हम यहाँ पर फेविकॉल की मदद से इसे स्टिक कर रहे हैं क्योंकि जो मेरे पैटर्न पेपर हैं वो ग्लॉसी हैं। इसलिए अगर आपके पास पैटर्न पेपर मैट है तो आप फेविकॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, और ट्रैकी ग्लू और ट्रैकी टेप की मदद से हम इनकी ड्रेस बनाने का काम करेंगे। तो यहाँ पर एक वेलम शीट की तरह ही एक शीट है जिससे कि मैंने इसका फ्रॉक बनाया है, और बेल्ट बनाने के लिए मीटर कार्ड स्टॉक का यूज़ किया है। तो इसमें आपको पूरा अपना क्रिएटिविटी और अपना दिमाग लगा करके जो भी डिटेलिंग है वो खुद से करनी होगी। एक पेज का मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड में दिखा है, इसी तरह से मैंने और भी 2-3 पेजेस पर ये बनाए हैं। ये देखिए मैंने छोटा सा एक मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पे लगाया है, और जो भी आपकी स्टोरी है या जो भी आपकी मेमोरीज है उसको डिस्क्राइब करते हुए आप यहाँ पर मॉडल्स को लगा सकते हैं, टैग शीट और स्टिकर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और साथ में मैसेज और शेकर्स कार्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से बहुत ही अच्छी सी एक क्रिएटिव स्क्रैप बुक बना सकते हैं। तो ये है हमारे स्क्रैप बुक का फाइनल लुक। मैंने आज जो भी सारे अंदर के पेजेस से उनको डेकोरेट करना नहीं बताया, मैंने आपको आइडिया बता दिया, आप उससे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सो फर्स्ट पेज तो हमने देखा ही था, और सेकंड पेज भी देखा था। थर्ड पेज पर हमने मैसेज लिखा है, जस्ट इसके पीछे भी हमने मैसेज का सेक्शन बनाया है, एंड इसके बाद वाले पेज पर हमने शेकर एलिमेंट बनाने के बाद यहाँ पर एक फ्लिप कार्ड बनाया है और टैग शीट लगाई है, और यहाँ पर वाइट कलर का एक एनवलप है। देन इसके बाद ये हमने यहाँ पर वापस से क्ले मॉडल्स, और यहाँ पे कुछ स्पेस छोड़ रखा है मैंने जो कि मैं बाद में कुछ और चीज़ें ऐड करूँगी। सो ये इस तरह से जो है स्क्रैप बुक बन के तैयार है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा वीडियो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट वन क्लिक से हमारी वेबसाइट से इसे ऑर्डर कर सकते हैं, और कस्टमाइजेशन और अदर डिटेल्स के लिए ईमेल भी कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही था, मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, उसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो